कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर बढ़ रही परेशानी, एंटीजन टेस्ट से लोगों का उठ रहा विश्वास। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर लोग परेशान हैं, परंतु अब कोरोना जांच रिपोर्ट नई परेशानी का सबब बन रहा है। पहले जांच कराने में मुसीबत झेलनी पड़ रही है, खासकर वैसे लोगों को जो होम आइसोलेशन में हैं। जांच सैंपल लेने वाले फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठा भी लें तो आते नहीं। स्थिति यह है कि निजी लैबों ने जांच का सैंपल ही लेना फिलहाल बंद कर दिया है। उधर सरकारी जांच की रिपोर्ट को लेकर लोगों का विश्वास इससे उठने लगा है। रिपोर्ट में कई तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर एंटीजन टेस्ट में जिनका नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट में वे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिस्कामोड़ निवासी राजन बॉबी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इसके अलावा सरकारी लैब की जांच रिपोर्ट में त्रुटियां से भी लोग परेशान हैं। किसी का नाम गलत हो रहा है तो किसी को दूसरे की रिपोर्ट भेज दी जा रही है, वह भी उसी आईडी नंबर से। एसजेएम कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर रवि भूषण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने सदर अस्पताल जाकर 14 अप्रैल को जांच के लिए सैंपल दिया था। 19 अप्रैल की रात जब उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट वेबसाइट से डाउनलोड किया तो उनके ही आईडी नंबर पर किसी शुभम कुमार नामक लड़के की रिपोर्ट थी, जिसमें उसे पॉजिटिव बताया गया था। इस गड़बड़ी से शायद दोनों ही परेशान होंगे। इस संबंध में एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि शायद अत्यधिक वर्कलोड की वजह से यह मामूली भूल हो गई है, परंतु यह भूल मामूली नहीं है। इस तरह से कई और लोग परेशान हो रहे हैं।